अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर गुलरहमान इल्मी फ्रॉम वी लव टू लर्न। आज की वीडियो में हम आपको मैकेनिकल स्टिरर के बारे में बताएंगे। बेसिकल स्टिरर्स दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिकल स्टिरर है और एक मैग्नेटिक स्टिरर। मैग्नेटिक स्टिरर में हम लोग हमें मैग्नेट भी इंसर्ट करना होता है और मैग्नेट उसको फिर मूव कर रहा होता है, और एक हमारे पास मैकेनिकल स्टिरर हैं जो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप इसकी प्रॉपर वर्किंग और यूज़ किस तरह करते हैं ये सारी चीज़ें समझ आए। ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी चकशीजाद इस्लामाबाद कैंपस में प्रेजेंट हैं, और इसमें बेसिकली हम लोग दो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि एक आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका मोटर है जहाँ से हम स्पीड वगैरह कंट्रोल करते हैं, और एक इसकी असम्बली है जो कि बेसिकली रोटेट कर रहा होगा या स्टीयरिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले ऑन करते हैं और फिर यहाँ से हम लोग ऑन एंड ऑफ इसको करते हैं। अब मैंने इसको ऑन कर लिया और यहाँ से हम लोग स्पीड इसका एडजस्ट कर सकते हैं कि स्पीड जो है हम लोग इसका एडजस्ट करें। लेकिन इसको ऑन करने के बाद हमें ऑन करने से पहले हमें ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसके साथ इसकी जो फर्दर असम्बली इसके साथ हमें असम्बल कर लेना चाहिए, और ये असम्बल बेसिकली हम लोग इस तरह से करते हैं कि तो वायर के थ्रू हम लोग इसको असम्बल करते हैं। यहाँ पे इसकी बैक साइड पे सर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एंड सेकेंड, उसके बाद फिर हम इसकी जो पोजिशनिंग है वो भी हम लोग देख रहे होते हैं। इस तरह ये अगर आप देखेंगे तो ये बीकर से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको हम लोग पोजिशन इस तरह से करते हैं कि ये नोड आप यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से जिस तरह ये नोड आप मैंने ओपन कर लिया, और इसको आप जो भी आपका सॉल्यूशन होगा या सेमी सॉलिड फॉर्मेशन होगा उसके अंदर आप इसको डिप कर लेंगे इसको सही, और उसके बाद फिर आप दोबारा से ये आप टाइट कर लेंगे इसको, यहाँ से आप टाइट कर लेंगे दोबारा। फिर हम ये करते हैं कि अब ये सॉल्यूशन के अंदर जो है उसका स्पिंडल सॉल्यूशन के अंदर है, और फिर हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं आप, और फिर हम इसकी जो स्पीड है राउंड्स पर मिनट वो हम लोग यहाँ से सेट करते हैं। और अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जिस स्पीड से भी आप सेट करना चाहें उस स्पीड से आप इसको मूव करा सकते हैं। आप ये इस तरह मैंने स्लो किए हैं और इस तरह मैं इसको फास्ट करता हूँ, लेकिन इसमें याद रहेंगे इसमें बीकर्स लार्ज साइज़ के, क्योंकि इसमें जो स्पिंडल के ब्लेड्स हैं वो लार्ज साइज़ के हैं, तो ये जो ब्लेड्स के मुताबिक ही आप बीकर इसमें सेलेक्ट करूँ। अगर आपने हाई मिक्सिंग पे करनी स्पीड अगर ज़्यादा करनी है तो उसमें आप जो इसकी बीकर हैं या जो भी गिलास ऑपरेटर्स हैं उसका साइज़ भी आप फिर इसी हिसाब से ही आप अरेंज कर लें या यूटिलाइज़ कर लें इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे बाकी वीडियोज़ आपके पास आते